अरे भैया कहाँ पानी आता है। बीबीसी हिंदी के इस लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। राजनीतिक गर्मी तेज है और हम मौजूद हैं सुल्तानपुर की कादीपुर विधानसभा में। इस विधानसभा क्षेत्र ये एक रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ पर सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन रहा है पिछले 20 से 30 35 सालों में। पहले कांग्रेस के विधायक थे, फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन रहा है इस क्षेत्र ने। बहुत मंत्री मुख्यमंत्री भी दिए हैं प्रदेश को। और हम बात करेंगे चुनावी हलचल पर, क्या मुद्दे हैं, और साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये एक सुरक्षित विधानसभा है कि जो दलितों की लीडर रही हैं मायावती और बहुजन समाज पार्टी, उसके पिछले कुछ सालों में जो एक तरह से श्रिंक किया है वोटर बेस और सीटें, क्या उसका असर इस चुनाव पर दिखेगा या क्या वो इम्प्रूव करेंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे साथ, सभी तबके के हर तरह के लोग हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों को खास हमने बुलाया, सब अपना खुद इंट्रोडक्शन कराएंगे और बताएंगे आप कौन हैं। हम मैं ग्राम प्रधान पाकरपुर करौदी कला ब्लॉक से आते हैं जी, और डॉक्टर संतराम जी, और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। अभी इस चुनाव में क्या लग रहा है? अब मायावती जी, बहन मायावती जी से हम बहुत खास भाई हैं, लेकिन इस समय उनका कोई दिशा निर्देश हमको नहीं मिल रहा है। अभी हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम भाई उनका दिशा निर्देश न देखते हुए बीजेपी ही ठीक हमको लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है? अभी तो हमको ऐसा, आप बताइए। अंगद कुमार लालवे की एडवोकेट, बहन जी का फरमान है, हम लोग बसपा की सरकार बनाएंगे, सब बसपा की सरकार आएगी। बहन जी का फरमान आ गया है आपके पास? नहीं है आपके पास, कैसे आ गया? हमारे पास सरकार बनाएंगे, बसपा सरकार बनाएगी, बसपा सरकार बनाएगी जी। आपसे बात करते हैं, आप राजेश गौतम, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी फिर से इलेक्शन में आ रही है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ का जो वोटर है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ परिवर्तन का है। जैसे कभी आपने जहाँ प्रधान जी से बात किया कि जो बसपा में रहे हैं और बसपा में रहे कई सालों तक रहे हैं, जो दलित वोट रहा है, बदलाव ये दिख रहा है। सब लोगों की सोच बदली, उत्तर प्रदेश में लोगों की सोच बदली है। इससे पहले जातिवाद की राजनीति होती है, आज परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र, परिवर्तन पर आप वोट मांगेंगे? हाँ, परिवर्तन परिवर्तन इसी विधानसभा, ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं, चाहे अग्निशमन का कार्य हुआ 8 करोड़ की लागत से, जहाँ पर मुख्यालय 80 किलोमीटर दूर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो रहा है, नवोदय विद्यालय का शिलान्यास हुआ, कई मतलब है। आपका मानना है, आपका दावा है कि काम हो रहा है? काम हो रहा है, निश्चित तौर पर काम हो रहा है। आपका कहना है कि अभी मायावती जी का संदेश नहीं आया है, आप कार्डर हैं, आपको बसपा का संदेश आ गया है। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, आप बताएं जी। डॉक्टर अंगद चौधरी जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आप रहे हैं जी, क्या आपको लगता है कि आपको लगता है कि लड़ाई जो है वो सीधे सीधे है? लड़ाई जो है सीधे सीधे जो है भाजपा वर्सेस सपा, भाजपा वर्सेस सपा आपको लगता है लड़ाई ये? बिल्कुल। अभी हम और चर्चों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास बात यह है कि बहुत सारे आम लोग हैं जो कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अपनी बात रखेंगे, सभी अपनी बात रखेंगे। आपके पास चलते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? सैयद अहमद हसन। सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन। हसन साहब क्या करते हैं, पढ़ते हैं आप? क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं, थोड़ा तेज बोले। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आप। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियाँ, वो जो वादे करती हैं, जो दावे करती हैं, वो पूरे होते हैं? नहीं पूरे होते हैं। आपको लगता है नहीं होते? आपको लगता है क्या चीज कमी है, क्या और हो सकता है? महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी। आपकी उम्र क्या है? 19 साल। 19 साल, 19 साल के हसन को लगता है कि महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है। हम जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछेंगे, वो उसका जवाब देंगे और सभी से बात करेंगे। आम लोग पीछे भी हैं हमारे, आप कहना चाह रहे थे कि आम लोगों से बात करिए, आप बताइए अपना। हम अधिवक्ता हैं यहीं तहसील में। अच्छा, तहसील में काम करते हैं? हाँ हाँ, बहादुर सिंह। ये बताइए कि इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी के जो का जो डिक्लाइन हुआ है, जो एक तरह से कमी आई है, जो उसमें धार नहीं दिख रही, उसकी क्या वजह? उसकी यही कमी है कि बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में केवल जो है लोगों का, समाज में लोगों को उत्पीड़न होता था, लोग परेशान थे, पीड़ित थे, और जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए उसकी कमी हुई। सड़क बहुजन समाज पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी, बिजली 8 घंटे देते थे, इस समय जो है 24 घंटे बिजली आ रही है, रोड की दशा खराब थी, सब सुधार। 24 घंटे बिजली आ रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी के टाइम में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हमारे साथ, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई एस्पेक्ट्स को टच करेंगे इसमें। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट अरशद अफजल खान भी हैं। अरशद साहब, इस पूरे रीजन को आप समझते हैं जी,
यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है अभी वो किस चीज पर डिसाइड होती है? देखिए, ये दलित डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जब 80 की शुरुआत में काशीराम जी ने एक दलित अवेयरनेस शुरू किया था, उसके बाद से ये जो इस वक्त जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन है जी। उस 30-40 साल के वक्फे में रिजर्वेशन का लाभ लेके या जिससे भी काफ़ी डेवलप हुई है ये दलित जनरेशन जी। अब जो नई जनरेशन है दलितों की, वो अपने आप को दलित टैग के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहती है, वो अपर कास्ट कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करना चाहती है। तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म बीजेपी का मिला जी। तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी बीजेपी की तरफ। अच्छा, तो यहीं आप देखेंगे बीजेपी का एमएलए जीता है, दलित है वो भी जी। बीजेपी का एमएलए जीता है जी। तो ये दलित का वोट बीजेपी को गया, यानी ये ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम बीएसपी टू बीजेपी, या कहीं इलाकों में वो समाजवादी पार्टी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है माहौल को देखते हुए। हाँ। आप क्या सवाल का जवाब देंगे, क्या ये सही है? 100% सही। मुझको लगता है कि जो दलित समाज से वंचित समाज से आता था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शायद शौचालय की बात हो, बिजली और उसके जितनी भी योजना है, चाहे केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार की, वो हमारा जो दलित समाज है उसको सारा लाभ मिल रहा है, वो अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्ट पूरी तरीके से अट्रैक्ट हुआ। यही पिछली सरकारें रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्हीं दलितों पर कितना उत्पीड़न हुआ, लेकिन 5 साल बीतने को आया है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजना आ रही वो कहीं ना कहीं लाभ पा रहा है, उस समाज को लाभ मिल रहा है, उस समाज को लाभ मिल रहा है, ये सही बात है क्या? हाँ, समाज आप बताइए, आप क्या जी, 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 आप आइए, जी, जी, क्या आपको लगता है कि जो दलित समाज है वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी एक दूसरी तरफ चला गया है? और भाजपा से जनता त्रस्त है, भाजपा के साथ दलित नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। चुनावी नतीजे तो चुनावी नतीजे भाजपा तीसरे नंबर पे यहाँ से जाएगी। अभी तक जो हुआ है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर एक जमाने में दलित जो था वो वोट आज भी सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डिसाइड करेगा दलित वोट एक मुश्त पड़ेगा जी। आपको लगता है और आपको लगता है कि क्या जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक विकास की बात होती है दलित समुदाय की, वो क्या ये सही कह रहे हैं कि 1-2-3 पीढ़ियों का विकास हुआ है? नहीं, विकास जो हुआ है वो बसपा ने किया। वो बसपा की वजह से, और ये बसपा का पैर काटने हैं, बसपा के लोगों को जमीन हड़प रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं भाजपा बसपा सपा वाले, तो भाजपा और सपा वाले उत्पीड़न कर रहे हैं। आप हाँ, आप क्या आप शामिल हो उस उत्पीड़न में, इनका आरोप है? नहीं, यही फर्क है कि 5 जो बाबा साहब से चाहे शिक्षा ग्रहण की हो, चाहे पर उनके जहाँ लंदन में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी 5 स्थानों पर उसको 5 तीर्थ स्थान घोषित किया। इनका जो आरोप है वो क्या आप उसको खारिज करते हैं? पूरी तरीके से कह रहे हैं कि नहीं करना, हर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी शामिल करते हैं इसी चर्चा में। आप आइए, आपको क्या लगता है कि ये एक दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, यहाँ पर हमेशा से जो दलित समुदाय है उसका वोट सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अहम रहा है, अभी ये बदल गया है क्या पूरा सिस्टम? एक जमाने में मायावती का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, ये पड़ोसी अम्बेडकर नगर जिसको पहले अकबरपुर कहते थे जी, इस टाइम जो है दलित वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जाए। समाजवादी पार्टी के साथ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्यों, क्या क्या वजह, क्या वजह ये है? बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई भी खत्म, इतना ज्यादा आरक्षण के साथ छेड़छाड़, ओबीसी हो चाहे एससी हो, सबके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए जो है महंगाई, सभी लोग दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं। बसपा के 3 के यहाँ विधायक रह चुके, वो समाजवादी पार्टी में अपने पूरे समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है। बसपा के विधायक ने समाजवादी जी 3 के विधायक, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दलित समाज जो समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ गया, जो निष्कासित नेता वो कहीं कहीं जाएगा, निष्कासित नेता वो कहीं जाएगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग दो मुहिया बात करते हैं, अभी इनके बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान, इनके एक वरिष्ठ मंत्री जब समाजवादी सरकार थी आजम खां, कहते थे जिस तरफ उंगली है बाबा साहब कहते हैं वो प्लाट हमारा है, खाली प्लाट हमारा है, मतलब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता बोल रहे हैं, गठबंधन किए और रिजल्ट क्या आया लोकसभा में, महागठबंधन हुआ था। गठबंधन का सवाल का जवाब तो मैं आपसे जरूर मांगूंगा, बिल्कुल, कि क्या जवाब है हमारे? हाँ, बताइए। अभी जैसे कि बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ, कि कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जो है आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक नेता बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज किसान 1 साल 17 दिन हो गए
आखिर कौन से ऐसी मुसीबत आ गई कि किसान कानून वापस करना पड़ा इनको? आज इनके ही मंत्री अजय सिंह मिश्रा की कौन मुसीबत है? किसान कानून वापस होने की वजह क्या? किसान कानून समय रहते हुए अच्छा कानून आया था, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति उसमें चिंता व्यक्त की थी, लेकिन वापस लिया। वापस हम किसानों को समझा नहीं पाए, पूरा विपक्ष मिलकर किसानों को पूरा विपक्ष में नेता है कि किसान? अगर हम आप बोल रहे थे तो हम बोले, आप बोल रहे थे तो हम बोले, पूरा विपक्ष मिलकर किसानों को गुमराह किया और किसान बिल किसान हित में था। आज ये सरकार किसान सम्मान निधि सबको दे रही है, सबके खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है, सबको फटलाई। सुनिए भाई साहब, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम किसान हैं। रात को जो है हम लोग खेतों में पाइप बिछा के नालियों में पानी खोल के इंतजार करते थे कि लाइट आएगी और हम अपने खेत को सींचेंगे। कभी एक घंटे लाइट आती थी जुगुर जुगुर करके, कभी दो घंटे बाद आती थी, आज 22 घंटे 24 घंटे बिजली है। पहले 5 जिलों में लाइट आती थी, अगर आप लोग नारेबाजी करेंगे तो बात नहीं सुन पाएंगे। नारेबाजी नहीं करेंगे। एक मिनट भैया, रहने दीजिए। अगर आप लोग नारेबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं होगी, हम लोग सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात करेंगे। सुन लीजिए, दलित क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। 68,500 जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें इनका कोटा जो 21% होता है, मात्र 14-15% दिया गया। उच्च शिक्षण संस्थाओं में चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, यहाँ इनका शिक्षक समुदाय जी सरकार से खुश है या नाराज है? बिल्कुल सरकार से नाराज है। ये क्या शिक्षक समुदाय नाराज है इस बात का? सरकार को आइडिया है या ये पूर्व मानसिकता से ग्रसित होकर के बात कर रहे हैं ये लोग? और मुझको लगता है इन 5 सालों में आप खुद एक वोटरों से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक आप मुझको लगता है आम वोटर से बात करेंगे जिनको परिवर्तन लगा, जिनको आवास मिला, जिनको शौचालय मिला, इनको महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री धन के जान उनके खाते में पैसा डायरेक्ट जा रहा, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। यहीं पर पिछली सरकारों ने किस तरीके से बंदर बांट के नौकरियां आती थी, एक जगह सूची आ जाती थी, एक खास जिले में सूची आती, वीवीआईपी कोटा आता था। आज कोई नहीं कह सकता कि नौकरी के नाम पे कहीं कोई पैसा चल रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है। अब किसी एक करके हम चर्चा में उसके बाद आपके पास आएंगे। आप ये बताइए कि करप्शन आज तक कांग्रेस बसपा सपा जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास काम हुआ उतना कोई भी नहीं किया। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी में जितना अच्छा काम हुआ, समाजवादी पार्टी में जितना अच्छा काम हुआ उतना अच्छा काम किसी पार्टी नहीं कर पाया। क्या एक चीज सबसे अच्छी क्या की समाजवादी पार्टी? समाजवादी में कन्या विद्याधन था, स्कॉलरशिप थी, सरकारी नौकरियां थी, किसान स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरियां। किसान से बात करते हैं, हमारे पास न्यूट्रल लोग भी हैं, हमारे पास आम लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। एक करके आप बताइए आपका नाम क्या है, आप पेशे से क्या करते हैं? मैं श्यामचंद श्रीवास्तव पेशे से भी पत्रकार हूँ, एक जनसेवक के नाते हम लोग कादीपुर में आए दिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि कादीपुर की राजनीति, दो सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि आप एक न्यूट्रल इंसान हैं, कादीपुर की राजनीति में 2-3 चीजें सबसे अहम क्या हैं और क्या उसमें जो मायावती का बीएसपी फैक्टर था वो कभी इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली था, अब है या नहीं, या क्यों है? नहीं, मायावती का जब था तब था, वो दलित चेतना के नायक थे माननीय कांशीराम जी, और कांशीराम जी ने जो दलित चेतना को जागृत करने का काम किया उस पर, उस पैटर्न पर बीएसपी चली नहीं। अच्छा। जिसके कारण से धीरे धीरे उसका क्षरण होता गया और आज की स्थिति ये बनी कि हर व्यक्ति अपने मन से अब जागरूक हो गया, अपने मन से अपने मत का प्रयोग कर रहा है, कभी वो सपा की तरफ जाता है, कभी बसपा की। आज जो स्थिति हमको इस विधानसभा में दिख रही है उसमें बसपा के कार्यों को लेकर, भाजपा के कार्यों को लेकर के लोग प्रभावित तो नजर आते हैं, सपा भी पूरी दमदारी के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो फाइट आपको लगता है दो में लग रही है? जी जी बिल्कुल, सपा और बसपा में, भाजपा में ही ये आपके पास भी आएंगे। अर्शद, आपके पास लौटते हैं,
आपकी क्या एनालिसिस है इस रीजन में, सेंट्रल यूपी अवध का रीजन है, यहाँ पर फाइट किसके किसके बीच है और ये क्या टू प्रॉन्ग फाइट है क्या, या इलेक्शन में कुछ कहना मुश्किल होता है? नहीं, फाइट तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि बीएसपी का अभी तक कोई क्लियर, बीएसपी का जो मायावती जी हैं उनकी तरफ से कोई साफ सुथरा कोई संदेश आया नहीं है। और दलित वोटर संदेश क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या उनको लग रहा है कि बीजेपी और एसपी नहीं फाइट है? वो दलित वोटर इतना बिखरा हुआ है, खासतौर पे थर्ड जनरेशन दलित, कि वो डिलेमा में है कि वेदर टू गो विद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब इसमें जो मजबूत उसको मिलेगा वो उसके, क्योंकि ये दलित डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों दलित लड़ेंगे, जो दलित उसको मजबूत मिलेगा। और एक खास बात ये है, कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर काम करेगा मौजूदा विधायक के खिलाफ। राइट, हाँ, एक साल, पांच साल का, क्योंकि पिछले साल भी काम किया था, इस साल भी काम किया। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस लिमिटेड हो रहे हैं, हाँ, ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि जो दलित वोट है, क्या दलित वोटर यहाँ का कंफ्यूज भी है, कंफ्यूज तो है पूरी तरह, क्योंकि ऑप्शन देखिए, एक मिनट, गठबंधन माइक में आप, मैं आपके पास आऊं, गठबंधन, ठीक, देखिए विपक्ष ने सभी प्रयोग करके देख लिए। अच्छा। कांग्रेस के साथ समाजवादी का गठबंधन हुआ, जीरो लड्डू। बसपा के साथ गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट जरूर बसपा के साथ कहीं कहीं गया, लेकिन बसपा का वोट जो है हर जगह बीजेपी के साथ गया, कहीं महागठबंधन में नहीं गया। क्या आपको दलित लगता है कि समाजवादी और बसपा का वोट फिर से समाजवादी की तरफ जा सकता है? नहीं, कोई बात नहीं, दलित को भरोसा है अंबेडकर जी के सपनों को अगर कोई साकार कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी योगी आदित्यनाथ जी है। आज आज जिस तरीके से साकार करने का दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, आप इस, क्या आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी वादे किए गए आप देखे होंगे, चाहे गड्ढा मुक्त की सरकार रही हो, आज यहाँ की आम जनमानस, आम जनमनता, जनता जो है वो रोडों पे टहल रही है, तीन तीन चार चार लोग बेचारे घायल हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, बच्चों को परीक्षा के नाम पे रात को 4:30 बजे 8 बजे उन्हें बुलाया जा रहा है, बुलाने के बाद परीक्षा रद्द कर दी जा रही है। अभी मैं इसकी परीक्षा ली, कोई प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इस सरकार ने मरने के बाद भी लोगों को नहीं बख्शा, कफन जैसी चीज पे GST लगाने का भी काम किया। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जो वोटर है, जी जो वोटर है, क्या वो कंफ्यूज है या नहीं है? नहीं है, दलित, सुनिए, दलित वोटर क्लियर है, दलित वोटर कहीं कंफ्यूज नहीं, मैं खुद एक दलित हूँ, इस विधानसभा का रहने वाला हूँ, दलित वोटर पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के सरकार के साथ है, तो साइकिल का निशान देकर वोट करने वाला है। साइकिल के निशान पर जाएगा क्या दलित वोटर? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना जैसी वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, उसके बाद रात के अंधेरे में भाजपा के वैक्सीन नहीं लगाए, रात के अंधेरे में जाकर, और जब कोरोना जैसी वैक्सीन, जब सभी पूरा समुदाय, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ सारे लोग थे, तुम्हारे मुख्यमंत्री दलित बात हुई, एक 85 वर्षीय बुजुर्ग सर, सर कोरोना काल पे ही, एक कोरोना काल में ही यही जौनपुर का मामला रहा, एक 85 साल का बुजुर्ग अपनी महिला को, सुनिए हम कह रहे हैं, एक सवाल हम कह रहे हैं, कोरोना काल पे एक सवाल हम कर रहे हैं, एक सवाल के नेता है, ये बीजेपी के नेता है, एक सवाल केवल, एक सवाल कर रहे हैं, पहले किसान बिल पे हम बोलना चाहते हैं, ये बसपा दोनों लोग नेता हैं, ये भाजपा के नेता, ये सपा के नेता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, लेकिन यहाँ के जो सुरक्षित विधानसभा सीट के जो SC वोटर हैं वो कंफ्यूज नहीं है, चर्चा जारी है, हमारे पास बहुत सारे और लोग हैं, हम आम आदमी लोगों से बात करेंगे, आम आदमी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शरद पांडे है, शरद पांडे। यहाँ पर चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा इस बार सारे वोटर यहाँ के सिर्फ विकास के नाम पे वोट करेंगे, जिस तरीके से वहाँ पर वोट करेंगे, हाँ विकास को लगता है कि वो रहेगा इतना बड़ा मुद्दा? नहीं, विकास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर के भी ये मुद्दा रहेगा। कादीपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता जागरूक है, वो जागरूकता के नाम पार्टी वाले हैं, हम सब विकास के, जहाँ विकास हो, हम सब बीजेपी को वोट दे, वहाँ पर वोट जीते, बीजेपी पूरा, किस बात पर वोट देंगे?
किस बात पर वोट देंगे आप? वो बोलता है मैं विकास नहीं बना है। मैं विकासशील इंसान पार्टी, नई पार्टी पाकिस्तानी वाली। हम लोग सभी दलों को देख लिया, अब नए दलों में जाएंगे हम लोग। विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। एक बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा जो बन के निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, इस पर क्या राय? देखिए, मैं 20 वर्ष बसपा में था, और 20 वर्ष और जितना नुकसान समाजवादी पार्टी ने, सुनिए, समाजवादी पार्टी ने जितना नुकसान एससी किया है, 4F आरक्षण में छेड़छाड़, और दूसरी बात, बीजेपी ने, मैं वार्ड मेंबर भी हूँ, मेरे वार्ड में जाकर देख ली, एक भी छप्पर नहीं बचा है अब। जितने छप्पर थे एक बराबर हो गया, और सबके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। क्या आप मायावती में अपना नेता नहीं देखते? दिखते हैं, लेकिन दिखते हैं। लगता है मायावती आपकी नेता है? अभी भी है, आज भी है, लेकिन जो वोट दौर चल रहा है, अगर जो दलित का वोट है वो ज्यादातर जाने की इच्छुक बीजेपी में है, वो बीजेपी ये बताइए, ये कह रहे हैं जनता, मैं ये लोग कह रहे हैं जनता किसके साथ है, मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि जनता किसके साथ, जनता से पूछिए। जनता आज जनता को धोखा दे करके, और जो भी कहा इनके प्रधानमंत्री जी, जितनी झूठ बोलते हैं उतना आज तक कोई भी नेता झूठ नहीं बोला होगा। आपको लगता है ये? हमें आपको नहीं लगता। देखिए, पूरी जनता से बस बस बाबूजी बस रुक जाइए, हो जाए हो जाए। देखिए, एक मिनट रुका, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास रुक जाइए, रुको पहले यार, आप किसान की बात कर रहे हैं, समाज की बात कीजिए, समाज हमें लाइव बंद करना पड़ेगा, किसान भी बात करना चाह रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? शंकर। शंकर, आपको क्या लगता है कि कारीपुर में जो मुद्दे हैं वो क्या है प्रमुख? सर, हम लोग गरीब आदमी है, कोई सुनवाई होती नहीं है, और विधायक जी 5 साल पूरा हो गया, कभी आज तक हमारे क्षेत्र में गए नहीं। अब क्या हो सकता है? अब आपको क्या लगता है, आपके लिए और क्या भलाई हो सकती थी, और क्या भला अच्छा हो सकता? क्या भला होगा सर, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं। हेलो सर, एक मिनट, आप अभी कुछ पूछ रहे हैं, वोटर है आपका, आम वोटर, आपका आम वोटर, आपका आम वोटर ये कहता है, वो ये जानना चाहता है कि आप उसके पास नहीं पहुंचे, क्या आप उसको कैसे जवाब देंगे? 5 साल में एक एक करके सबकी जवाब, एक मिनट सर, आपका जो चुना, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके लिए जवाब दे रहे हैं, सवाल नहीं, 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 आप पूछे, आप पूछिए, एक मिनट पूछिए भाई, जवाब दे दें, जवाब दे, आप हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोगों के घर तक पहुँचे हैं कि नहीं? 5 साल में हमको क्यों, ये सब बंद करिए बॉस, एक मिनट, ये सब बंद करिए तभी लाइव होगा, माइक थोड़ा करते हैं, थोड़ा देखो बॉस, ये देखिए इंटरनेशनल लेवल से आज कम से कम हम लोग के भाषा थोड़ा खराब हो जाएगा। बताइए, 5 साल में 3-3.5 साल कोरोना लेके चली गई, ठीक है, यहीं पर जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया, लेकिन पहला ऑक्सीजन प्लांट, पहला उत्तर प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट इसी कादीपुर में लगा, पहला ऑक्सीजन प्लांट, पहला ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल में, यही जौनपुर के 85 साल के एक बुजुर्ग, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए, कोरोना काल की ही बात हो रही है, 85 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को साइकिल के फ्रेम में डाल के ले जा रहे थे, कोई भी उनको छूने के लिए तैयार नहीं था, तमाम माताएं बहनें पैदल चलकर आई, रोड पर ही प्रसव कराने का काम भी, बिल्कुल सही बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ मेरी एक बात है, यही कादीपुर में, यही सुनिए पहले, यही थाने के बगल
जिस्ट जो है 20 मीटर की दूरी पे आयुष नाम के, आयुष शुक्ला नाम के लड़के की निर्मम हत्या हो गई, उस पर भाजपा जवाब दे? आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। हम अभी जल्दी की बात है, अभी जल्दी की बात। देखिए समाजवादी, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सुनिए, समाजवादी पार्टी सरकार थी, यही लोग विधायक थे, यही नूरपुर में ट्रिपल हत्या हुई, ट्रिपल हत्या हुई। हाँ, हम लोग हत्याओं की बात या उन आरोपों की बात से बचेंगे जिसके लिए मुझे सरकारी पुष्टि करानी होगी। आपको भी मैं कह रहा हूँ और आपसे भी। अच्छा ठीक, दोनों दूसरी चीज, हम लोग मुद्दे दूसरी चीज। विधायक जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे कमौरा सरैया बजरंग नगर इसी बाजार में सरकार के विकास का रुपया भी लगा है, किंतु वह 3 महीने से बंद है, चल नहीं रहा है। लाइट एक फायर ब्रिगेड की दिक्कत है। आप लाइट नेता डिबेट मत करिए, जनता डिबेट करिए। अगर नेता डिबेट करना चाहते हैं तो बसपा की जनता जो है गांव में रहती है, बसपा को तो गांव में रहती है। उसी को उत्तर देना। हम लोग जिस मुद्दे पे हम बात करनी शुरू की थी, मायावती अगर अभी भी क्या ये दावा कर सकती है कि उनका जो कार्डर है, जो उनका कार्डर है वो उनके पास बचा हुआ है? उस कार्डर पूरी तरह एकदम सेफ है, उसमें कहीं भी दाग नहीं है। जो दागी विधायक थे, जो बागी थे, हुए हैं वो अपने स्वार्थ में बागी हुए हैं, अपने स्वार्थ में बागी हुए हैं। बसपा का कार्डर एकदम हम अमीर कहा चाहते हैं कि देश बचाएं योगी मोदी, कोरोना बचाएं, कश्मीर लूट जाता रहा वो का बचाएं, कश्मीर कोरोना। अपना नाम बताइए। संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस पार्टी का। संजीव जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जो सर, हम जनता से ही बात कर रहे हैं, आप जनता भी हैं, पार्टी के भी हैं। कांग्रेस पार्टी एक जमाने में यहाँ पर हमेशा जीतती थी, एकदम से हाशिए पर क्यों आ गई? वो ऐसे नेता इसमें आ गए थे जो सुविधाभोगी थे, जो भ्रष्ट थे, जो बेईमान थे, जो बेईमान थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ये दशा हुई। अब कांग्रेस पार्टी ग्रासरूट पे चल रही है। अर्शद तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये अर्शद साहब, ये चारों पार्टियां यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की भी बात हो रही है और सारी पार्टियों का दावा है कि अल्टीमेटली एक एक ग्रुप ऑफ नेता थे जो इधर उधर 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 चले गए। अब क्या यही सिलसिला चलेगा दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दलित जो रिजर्व सीटें हैं उनमें? दलित में इस कांग्रेस को एक तरह से उसके ऊपर वर्क 89 के बाद हुआ नहीं, कांग्रेस की बनाने पे। तो उस वक्त जो रीजनल पार्टीज थी, यानी BSP या समाजवादी पार्टी, उस जनता दल, ये लोग आए सामने। तो वो दलित जो था फर्स्ट जनरेशन, किस पार्टी के फर्स्ट जनरेशन का, हम लोग आम पब्लिक है, मैं आपसे बात करता हूं। फर्स्ट जनरेशन का दलित जो था वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ, फिर जनरेशन जैसे बदलती गई, वो दलित कांग्रेस के साथ हटता हुआ, बहुजन समाज पार्टी के साथ हटता हुआ, फिर सपा और बसपा में डिवाइड होने लगा। अभी जो ग्राउंड रियलिटी है वो वही लगती है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी की दलित डिवाइडेड है। सपा का मुद्दा बता रहे थे, बताइए एक एक करके, एक एक करके। मैं डिसाइड करूंगा कि किससे बात करना है, आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, आपको बात करनी है क्या? एक मिनट, आप जनता है, आप नहीं आप रुक जाइए। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, नितेश पांडे नाम है मेरा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या हो जी, काशी हो, हमारे हिंदुत्व को पहचान देने वाली BJP सरकार है, हम उन्हीं को लाएंगे। आप BJP की सरकार को ही वापस लाएंगे? लाएंगे। आप बताइए, आप किसानों के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। हमारा देश किस प्रधान देश है, जिसके पास एक बीघा भी खेत है सारे किसान परेशान है, खास करके छोटे किसान परेशान है, सारी खेती बर्बाद हो जा रही है। आम जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बंद कर दी गई, आम जनता परेशान है। जनता एक मुक्त होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। और किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ रही वही लड़ाई, बाकी लोग केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर कादीपुर तहसील में जो अभी यहाँ पर कादीपुर में तहसील के सामने जो हालात है वो ये है कि लोग एक दूसरे की बात सुनने से ज्यादा अपनी बात रखते हैं, जो जाहिर है चुनाव में होता है। हाँ बताइए बताइए। हम कह रहे हैं 70 सालों से कोई कुछ नहीं दिया है, लेकिन हर आदमी को कुछ नहीं मिला है, तो 2500 की वैक्सीन ही मोदी और योगी ने दिया है। 2500 की बैटरी मोदी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए सर, चुनाव जो है नौजवानों को रोजगारों पे और आने वाली जो सरकार है भाजपा की सरकार सफाया होगी। एक भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए कादीपुर से ये फेसबुक लाइव हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शोर ज्यादा है और अब मुद्दों से ज्यादा शोर की बात होने लगी है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव में शामिल होने के लिए। मुद्दे और भी हैं, उन मुद्दों पर आगे भी बात होती रहेगी। उत्तर प्रदेश चुनावी कवरेज हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव और देवशीष के साथ शामिल होने के लिए।